हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट माय फर्स्ट वीडियो जो कि है सर्वे सब्जेक्ट के ऊपर। और उसमें फर्स्ट है तो हमारा चैप्टर भी जो चालू होगा वो होगा फर्स्ट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्वे है तो सर्वे को समझ लेते हैं। सर्वे क्या होती है? सर्वे एक वो पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का जिसमें हम किसी भी पॉइंट का, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी एलिवेशन का, वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इन सब को, जितने भी मैंने पॉइंट बोले उन सबको क्या बोल देते हैं? रिलेटिव पोजीशन, मतलब विद रेस्पेक्ट टू अदर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मेन सी लेवल किसको लिया हुआ है? बॉम्बे को। तो जितना भी वर्टिकल एलिवेशन होगा वो सारा कितना किससे देखे जाएंगे? मेन सी लेवल से। तो विद रेस्पेक्ट टू अदर हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस सर्वे में भी अंडरस्टैंड एज द पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है इन विच वी डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन। हम क्या निकालते हैं इसमें? रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू अदर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, ऑफ नेचुरल और मैन मेड फीचर्स, मतलब जो ह्यूमन ने बनाए या जो खुद से बने उनके बारे में हम उनकी रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं। ऑन एबव और बिलो द अर्थ सर्फेस, हम उनको अर्थ सर्फेस की, धरती की सर्फेस पर भी निकाल सकते हैं, धरती की सतह से ऊपर भी निकाल सकते हैं और धरती की सतह से नीचे भी हम उनको निकाल सकते हैं रिलेटिव पोजिशन, उन किसी भी रिलेटिव पोजिशन नेचुरल और मैनमेड फीचर्स का। ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं मैप और प्लान पर, जो कि हम इधर देखने वाले हैं। मैप और प्लान में क्या डिफरेंस होता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल और ग्राफिकल मेथड, इन दोनों मेथड से हम उनको मैप और प्लान पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद सूटेबल स्केल। तो स्केल भी हम यहीं पे देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप। ठीक है, अब देखिए प्लान जो होता है वो हमारे जनरली हाउस वगैरह का होता है, या थोड़ा इंटरेस्टी ले सकते हो आप इसके अंदर, पर मैप हमेशा ज़्यादातर सिटीज़ के लिए होता है। ठीक है, और स्केल, मैं स्केल को एक बार समझाने की ट्राई करता हूँ कि स्केल जो होता है वो होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल लैंड डिस्टेंस। क्या होता है? मैप डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल लैंड डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस तो मैं अपने हिसाब से कंसीडर करूंगा, मेरे को 1 सेंटीमीटर में कितना मानना है, पर ओरिजिनल लैंड डिस्टेंस से ही क्या हो जाएगा फिर? स्केल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो स्केल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब देखिए इधर एरिया ज़्यादा है तो स्केल अपना आप क्या हो गया? स्मॉल स्केल। ऐसी इधर एरिया कम है तो स्केल क्या हो गया? लार्ज स्केल। अब देखो हमारे अर्थ के कर्वेचर की वजह से ना कई बार रीडिंग्स मेजरमेंट में हमें एरर आने लग जाती है। तो हम कितने एरिया के बाद अर्थ कर्वेचर करना कंसीडर करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया ने दो टाइप ऑफ सर्वे बताएं, एक प्लेन सर्वे, दूसरा जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, अब देखिए अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर हम जो प्रेफर करेंगे वो प्लेन सर्वे करेंगे। हमें इसमें अर्थ की कर्वेचर कंसीडरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिस्क्रपेंसीज होती है ना अर्थ के कर्वेचर की वजह से वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं और उनका कोई मेजर इफेक्ट नहीं आता। और जबकि अगर एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो हमारे टेस्ट रिजल्ट इफेक्ट करने लग जाते हैं। और हम उस टाइम कौन सी सर्वे प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है? हम अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर करके चलते हैं। अब देखिए अब इसी से ऊपर हमने नीचे जो पढ़ा था उसका एक हमने देख लेते हैं कि कितने लेंथ पर कितना इफेक्ट आता है। अगर मैं कोई आर्क ड्रॉ करूँ कितने का? 18.5 किलोमीटर का। क्या ड्रॉ करूँ? आर्क ड्रॉ करूँ। अगर मैं उसके फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को फिर कंसीडर करके एक कॉर्ड खींचूँ, अगर मैं उसका कॉर्ड खींचूँ तो वो कितना छोटा होता है? 1.5 सेंटीमीटर छोटा होता है। अगर मैं कोई आर्क ड्रॉ करता हूँ 18.5 किलोमीटर का, तो जो अगर और फिर मैं उसका कॉर्ड बनाता हूँ तो वो कितना छोटा होता है? 1.5 सेंटीमीटर छोटा होता है। तो इसी के रेस्पेक्ट में कुछ सर्वे ऑफ इंडिया ने ये लास्ट लिमिट फिक्स करी होगी कि इधर तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अपने टेस्ट रिजल्ट में, इसके बाद दिक्कत होंगी तो आप अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सर्वे के टाइप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पर्पज़ क्या क्या होते हैं? तो पर्पज़ के मेनली 6 पार्ट होते हैं, अपने काम में जो आएंगे वो आएंगे 4। पहला क्या होता है? टोपोग्राफिकल। ये किसके लिए होता है? टू प्रिपेयर मैप। ठीक है, जनरली किसके लिए काम आता है? मैप के लिए काम आता है। और टोपोग्राफिक में हम क्या देखते हैं? रिवर्स की भी देखते हैं, वुड्स की भी देखते हैं, हिल्स की भी देखते हैं। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग करके आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा आ गया अपना इंजीनियरिंग सर्वे। इसमें जितना भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम होता है ना वो सारा इसके अंदर आ जाता है। और ये कब करते हैं? ये किसी भी काम के चालू होने से पहले, काम के चलने के दौरान और काम खत्म होने के बाद, वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। दिस इज यूज्ड ड्यूरिंग, मतलब चलते टाइम, बिफोर मतलब पहले, एंड आफ्टर ऑफ एनी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद भी इसको हम देखते हैं। सॉरी, एग्जांपल देखते हैं, बिल्डिंग वर्क हो गई, अपने टाउन हो गए, हाईवे, ये सारे इंजीनियर ड्रॉ कर बनाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर ही आ गए। अब कैडास्ट्रल सर्वे,
इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन होते हैं कि अगर हमें कोई बाउंड्री लाइन फिक्स करनी हो, किसी भी प्रॉपर्टी की बाउंड्री लाइन फिक्स करनी हो, तो हम कौन सा सर्वे यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, कैडास्ट्रल सर्वे टू फिक्सिंग बाउंड्री ऑफ प्रोजेक्ट फॉर लीगल पर्पजेस। किसके लिए काम आता है, लीगल पर्पजेस में काम आता है, और उसमें बाउंड्री फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रो से नाम ही क्लियर होता है, जहाँ भी हाइड्रो हाइड्रो आ जाए उसमें वाटर की बात होनी है सर, तो इसमें सारी वाटर बॉडीज आ जाती हैं, जैसे कि रिवर, लेक, हार्बर। लास्ट के दौर बचे एस्ट्रोनॉमिकल और जियोलॉजिकल। एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी मैं बुक्स की पिक्स भी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, तो आप उधर से भी क्लियर पढ़ के समझ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल में जो हमारी एक्चुअल जो होती है ना डिस्टेंस, जो कभी चेंज होने वाली नहीं है, हम उनका करते हैं, जैसे कि ट्रू नॉर्थ, ठीक है, एजीमुथ, ये सारे। और ये निकाली किससे जाती है, अपने हेवनली बॉडी से निकाली जाती है, जैसे कि सन और स्टार के रेस्पेक्ट में इनकी रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं। जियोलॉजिकल में हम अर्थ के जो स्ट्राटा होते हैं ना, अर्थ किससे रिलेटेड बनी हुई है, कैसे कैसे क्या, जियोलॉजी की स्टडी करने के लिए वो सारा सर्वे इसमें आ जाता है, ठीक है। अब अपना अगला पार्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज, ठीक है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं सर्वे को परफॉर्म करने के लिए, डिपेंड करता है हमें किस प्रिसीजनेस से चाहिए, कितनी एक्यूरेसी के साथ चाहिए, सब चीज़, ठीक है। सबसे पहला होता है अपना चेन सर्वे। चेन सर्वे में हम क्या करते हैं, सर्वे में करते हैं, और जिसमें सारी हमने लीनियर मेजरमेंट होती है, कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं होती। इसमें हम कोई भी एंगल निकालने का काम नहीं करते। कंपास सर्वे, कंपास में हम चेन प्लस एंगल के साथ मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद है थियोडोलाइट, उम्मीद है दिख रहा होगा, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक अलग डिवाइस है जिसमें हम मेनली एंगल निकालते हैं, और एंगल और समटाइम्स चेन की भी मदद से हम इसमें वो अपनी सर्वे परफॉर्म करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे, इसमें हमारे पास एक टेबल होती है, शीट होती है, एलडीडेड होता है, जहाँ भी एलडीडेड आ जाए वो सारा क्या है, प्लेन टेबल सर्वे। उसके बाद अपना ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग में क्या है, अपने पार्ट को ट्राइंगल ट्राइंगल फॉर्मेट में बनाकर तब सर्वे परफॉर्म करते हैं। इसके बाद करते हैं फोटोग्राफिकली सर्वे, फोटोग्राफिकली सर्वे, स्पेलिंग गलत है मेरे पता है, ठीक है, फोटोग्राफिकली सर्वे। ये काजल ध्यान से सुने, यहाँ से फोटोग्राफिकल सर्वे पे एक क्वेश्चन है गेट में प्रीवियस ईयर में अपने फोटोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले हम फोटोग्राफी से रिलेटेड में एस की वैल्यू निकालते हैं। एस की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में एरिया ऑफ मैप अपॉन एरिया ऑफ स्केल। अंडर रूट में एरिया ऑफ मैप अपॉन एरिया ऑफ स्केल एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद एस की वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू फोर इक्वेट करेंगे, एस बराबर होता है एफ अपॉन एच माइनस एच। एफ क्या है, फोकल लेंथ, एच क्या है, जितने हमें एलिवेशन निकाल सकते हैं या दे सकते हैं, हाइट ऑफ, और जो कैपिटल एच है वो क्या, हाइट ऑफ फोटोग्राफी, और एच क्या है, हाइट ऑफ एलिवेशन। तो उसकी वजह से हमें एच की वैल्यू निकालनी है, काजल वो आप निकाल लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ईडीएमआई, ये अपना गेट और उसमें दोनों में है, ईएस मास आईएस में तो प्रीवियस में आया हुआ है, ठीक है। ईडीएमआई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इनके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एएमएम प्लस बी पीपीएम, जिसमें पूछते हैं कि ए क्या है बी क्या है। तो ए जो होता है वो हमेशा हमारा कॉन्स्टेंट होता है, अगर यहीं वी की बात करें तो वी क्या होता है, वेरीज डायरेक्टली डिस्टेंस, ठीक है, वेरी करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हमने इसके काफ़ी सारे टाइप्स भी पढ़ लिए, किस किस टाइप के होते हैं वो भी पढ़ लिए। प्रिंसिपल क्या है सर्वेइंग का, प्रिंसिपल सर्वेइंग के सिर्फ दो होते हैं, वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट एंड लोकेट ए पॉइंट बाई एटलीस्ट टू मेजरमेंट, ठीक है, लोकेट ए पॉइंट बाई एटलीस्ट टू मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों करते हैं, हम पार्ट टू होल क्यों नहीं करते, क्योंकि पार्ट टू होल करने में क्या है ना, हमारी एरर उसमें जुड़ती चली जाती हैं, एरर उसमें जुड़ती चली जाती हैं, और उनको एलिमिनेट नहीं कर पाते, उनको बोल देते हैं फिर हम रैंडम एरर, ठीक है। और वर्क होल टू पार्ट में जो हमारी एरर होती है वो होती है कम्यूलेटिव या सिस्टमेटिकली एरर, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर। अब देखिए, अब हमारे पास अगला काम, मैंने हेडिंग डाल रखी है वर्नियर। अब वर्नियर हम इधर क्यों पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि हम सर्वे परफॉर्म करते हैं तो हमें कई बार काफ़ी छोटी छोटी मेजरमेंट्स की रीडिंग लेनी पड़ती है, या रीडिंग्स इतनी छोटी होती है, तो हमें उसके लिए एक स्केल यूज़ करना पड़ता है, वो होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर जनरली हमारे कोर्स में तीन तरह में बांटा गया है, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर, ठीक है। डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर मेरी बुक में भी अच्छे से लिखा हुआ है, मैं इधर समझा दूंगा, इसके बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वर्नियर वो वर्नियर होता है जिसमें एन की वैल्यू अगर मैं 10 रखूँ तो देखो 10 इधर आ रहा है, 9 इधर आ रहा है, ठीक है, और ये वर्नियर को रिप्रेजेंट करता है और ये मेन स्केल को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 स्केल ऑफ वर्नियर कितने से इक्वल होते हैं, 9 स्केल ऑफ मेन स्केल, ठीक है, मतलब 10 डिवीजन जो होते हैं वर्नियर स्केल के वो 9 डिवीजन के इक्वल होते हैं
मेन स्केल के, ठीक है। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है काफ़ी, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ क्या होता है, एस बाई एन। एस क्या होती है, एस होता है 1 मार्क डिस्टेंस ऑन मेल स्केल। दो छोटे छोटे मार्क लगे होते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो 1 मार्क के बीच की डिस्टेंस एस होती है। ऐसी वी क्या है, वो भी 1 मार्क के डिस्टेंस की होती है ये, पर वी वर्नियर पे होती है, और एस क्या होता है मेन स्केल पर होता है, ठीक है। अब देखते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड में जस्ट उल्टा होता है कि एन डिवीजन ऑफ मे वर्नियर स्केल कितने सिक्कल होते हैं, एन प्लस वन। जैसे कि मैं अगर इधर 10 बोलूँ तो इधर कितने हो जाएंगे, 11। मतलब मेन स्केल पर 11 की रीडिंग कितने से इक्वल होगी, 10 ऑफ वर्नियर से होगी, ठीक है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इधर भी सेम है, एस डिवाइडेड बाई एन। अब लास्ट देखते हैं एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर का अलग ही फंडा है, एन इंटू वी बराबर हो जाता है 2n-1 इंटू एस। ये SSC JEE में प्रीवियस इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इधर ज़रा ध्यान दें। और ES में या GATE में इन्होंने पूछा है कि एक्सटेंडेड वर्नियर कहाँ यूज होता है, तो एक्सटेंडेड वर्नियर जो यूज होता है वो होता है अपना एवनी लेवल में। किस में यूज होता है, एवनी लेवल में, ठीक है। अब देखिए RF, अब हमारे पास स्केल आ गए, और जो डायरेक्ट वर्नियर होता है ना वो जैसे जीरो मेन स्केल की रीडिंग 0 से 1, 2, 3 ऊपर बढ़ती जाती है, ऐसी डायरेक्ट में भी वर्नियर की रीडिंग ऊपर जाती है 0 से, ठीक है। यहीं रेट्रोग्रेड में मेन स्केल की जाएगी ऊपर तो वर्नियर की आएगी नीचे, ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखते हैं RF। RF क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है या फैक्टर होता है, ठीक है। फंक्शन होता है स्केल, जो मैंने पहले ही बताया था, मैप डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल ग्राउंड डिस्टेंस। और एक होता है अपना इंजीनियरिंग स्केल, जो हमेशा केस में होता है अपना 1 सेंटीमीटर में, इसको हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। और जो हम मेनली यूज़ करते हैं वो करते हैं हम जनरली ग्राफिकल स्केल, क्योंकि ये जब जैसे जैसे टाइम जाता है ना तो मैप अपना श्रंक होता है, तो इससे हम जितना भी इफेक्ट आया ना उसको हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, हमें निकालना पड़ता है श्रंक फैक्टर या SR, ठीक है, जो कि होता है श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या मैं बोलूँ श्रंक RF अपॉन ओरिजिनल RF, या श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो इसकी मदद से मैं SF या SR की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहीं अगर मैं एरिया और वॉल्यूम में आऊँ तो एरिया में SF स्क्वायर हो जाएगा और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, SF³। तो श्रंक फैक्टर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेजर्ड एरिया अपॉन करेक्ट एरिया। इस पर भी काफ़ी सारे SSC JEE में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल मेजरमेंट, मान लो मैंने जल्दी जल्दी में स्केल अपना गलत ले लिया, तो उसकी वजह से जो रह रहे हैं कि उनको देखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है करेक्ट लेंथ, जो हमें हमेशा निकालनी होती है, तो RL ऑफ करेक्ट स्केल ये हमें गिवन होगा, RL ऑफ रॉन्ग स्केल और मेजर लेंथ बताएगा कि एक्चुअल में ये था, मैंने ये ले लिया, इतने वो डिस्टेंस मेजर कर ली, तो बताओ एक्चुअल में ये कितना होगा। यहीं अगर ये एरिया की रेस्पेक्ट में पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, RL ऑफ करेक्ट स्केल का स्क्वायर बराबर RL ऑफ रॉन्ग स्केल का स्क्वायर बराबर मेजर्ड एरिया, और इधर क्या हो जाएगा करेक्ट एरिया। तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान दें। उसके बाद अगला पॉइंट है अपना एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एरर बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जिनको ये याद नहीं होता उनके लिए मैं बता दूं कि एरर में ई जो आता है वो अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से 5 पर है, एम 13 पर, और ये 20 पर टी, ठीक है। तो ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना, ई बराबर MB-TV, ठीक है। एरर बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर जनरली हमारे कोर्स में दो तरीके से बांटी गई हैं, सिस्टमेटिक या कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब जो एरर उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की, ठीक है। यहीं रैंडम और कंपनसेटिंग एरर में देखें तो नॉट एलिमिनेट होती हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंडर रूट के। एन इधर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट लेंथ के। तो याद रखना ये अंडर रूट में तो होंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के तो इन्वर्सली होती हैं और उसके डायरेक्टली होती हैं लेंथ के, ठीक है। अब ये लास्ट थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद तो अपना ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो गुड ड्राफ्टमेंट होता है ना वो एक विड्थ की कितने मैक्स मिनिमम विड्थ की लाइन ड्रॉ कर सकता है, वो 0.25 mm की लाइन ड्रॉ कर सकता है जिसकी विड्थ कितनी होगी 0.25। कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकता है जिसकी विड्थ कितनी होगी 0.25 mm। अब हमारे पास कुछ मेजरमेंट है वो देख लेते हैं जो हमारे कुछ काम आएंगे, जिसमें जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन कर रखे हैं वो आपको याद हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि 1 फीट में होते हैं अपने 0.3048 मीटर। 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, 0.3048 मीटर, ठीक है। 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट। 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट। 1 माइल में कितने फीट होते हैं, 1 माइल में फीट होते हैं 5 to 80 feet। कितने होते हैं, 5 to 80 feet। अब देखो माइल में हमें फीट पता है, फीट में हमें मीटर पता है, तो कोई माइल में मीटर या किलोमीटर पूछे तो हम आराम से निकाल लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, किलोमीटर मीटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 कर देना किलोमीटर में। तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन नहीं करा है रेड पेन से, याद करने की जरूरत नहीं है। 1 फीट में हमारे पास कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। 1 फीट में हमारे पास कितने इंच होते हैं,
12 इंच होते हैं, ठीक है। और एक स्क्वायर माइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक स्क्वायर माइल में कितने एकड़ होते हैं? 640 एकड़। एक स्क्वायर माइल में कितने एकड़ होते हैं? 640 एकड़। अगर मेरे को कोई एक में एक एकड़ पूछे फीट में, तो देखो स्क्वायर माइल है, मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, उधर की वैल्यू इधर रख दूंगा, 640 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक एकड़ में कितने फीट है मैं वो चीज़ निकाल सकता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये याद करनी है। एक हेक्टेयर में कितने वो होते हैं एकड़? 2.471 एकड़। ये अभी तक मैंने अभी तक इससे रिलेटेड कोई चीज़ देखी नहीं है, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हमारे सिविल इसमें सर्वे में, उनको भी देखते हैं। सबसे पहली है लेवल सर्वे, ठीक है। लेवल सर्वे को मैं थोड़ा इमेज करने की कोशिश करना। मान लो ये हमारी अर्थ सर्फेस है ग्राउंडेड में, तो इसी के कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैंने एक और सरफेस खींच दी सेम जैसे कि अर्थ है, तो वही क्या हो जाएगी? अपनी लेवल सरफेस हो जाएगी, ठीक है। जो कि होगी पैरेलल टू अर्थ सरफेस, अर्थ से इतनी इक्वल डिस्टेंस पे है तो पैरेलल हो जाएगी, और परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन, परपेंडिकुलर टू लेवल सरफेस, ये प्लम्ब लाइन लिखा हुआ है, ध्यान रखना, प्लम्ब लाइन परपेंडिकुलर टू लेवल सरफेस। प्लम्ब लाइन क्या होती है? मैं किसी भी पॉइंट पर प्लम्ब को नीचे की डालूँ तो वो हमेशा सेंटर पर मीट करेगा। अब जैसे कि ये अर्थ सरफेस थी और ये लेवल सरफेस थी, अगर मैं लेवल सरफेस से प्लम्ब लाइन डालूँ तो वो उसको 90 डिग्री पर ही कट करेगी। अगर मैं छोटे से स्टैंड पर बात करूँ तो जो हमारी जो कर्व्ड लाइन जो आपको दिख रही है लेवल सरफेस की, वो छोटे से स्टैंड पर स्ट्रेट लाइन ही होगी, ठीक है। उसी वजह से अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस। जैसे मान लो अब ये हमारा क्या है, ये है अर्थ सरफेस। अगर मैं इस पे से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ सरफेस के, जो अर्थ के सरफेस को टच करते हुए जाए, तो वही क्या हो जाएगा? उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। टेंजेंशियल टू अर्थ सरफेस, ये लिखा हुआ है, टेंजेंशियल टू अर्थ सरफेस, ठीक है। अब जैसे कि कर्वेचर की वजह से हमारा जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है ना, अगर मैं उसको अर्थ पर ड्रॉ करूँ, अर्थ की सरफेस पर, तो वो एक्चुअल में स्फेरिकल ट्रायंगल के फॉर्म में ड्रॉ होता है, वो नॉर्मल ट्रायंगल नहीं होता। तो स्फेरिकल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि साइड, हर साइड कितने से छोटी होगी? 180 डिग्री से छोटी होगी, और इसकी रेंज क्या होती है? जो कि नॉर्मल सर्कल की रेंज होती है 0 से 360 डिग्री, ठीक है। याद रखना रेंज कितनी होती है, 0 से 360 डिग्री, और साइड कितनी छोटी होती है? 180 डिग्री से छोटी होती है। और मैं एसी की तीनों साइड का सम करूँ तो वो क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ ग्रेट सर्कल से छोटा होना चाहिए। ग्रेट, अब ग्रेट सर्कल ना हमने नया नया पॉइंट सीखा, तो ग्रेट सर्कल होता है एक पॉइंट, और मैक्सिमम डायमीटर वाला जो सर्कल होता है वो क्या होता है? ग्रेट सर्कल कहलाता है, ठीक है। ग्रेट सर्कल कहलाता है, उसका सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीफेरी बाउंड्री सिर्फ छोटी होगी क्या? हमेशा सम ऑफ थ्री साइड ट्राइंगल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं कितना भी खींचूं ग्रेट सर्कल तो पूरा कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में हो गया ना, तो इसकी तीनों साइड का सम भी कर लूँ तो पेरीफेरी से छोटा होगा, क्योंकि ग्रेट सर्कल काफ़ी बड़े में हो जाएगा, मैक्सिमम डायमीटर वाला होता है। अब स्फेरिकल एंगल, अब स्फेरिकल ट्राइंगल बनाया तो एंगल भी क्या हो जाएंगे? स्फेरिकल, जिसकी रेंज कितनी होती है? 180 डिग्री से 540 डिग्री, ठीक है। मैं इसको बोल सकता हूँ पाई से लेकर 3 पाई तक के बीच में होती है, ठीक है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 90 से 6 × 90, ठीक है। वो अपने हिसाब से हम अकॉर्डिंग जैसे भी एग्जाम में पूछा वो अपना मैनेज कर लेंगे। अब देखिए एक एकड़ में होता है 10 × गंटर चेन का स्क्वायर, एक एकड़ में होता है 10 गंटर चेन स्क्वायर, एक और गंटर चेन में कितना होता है? 66 फीट। एक गंटर चेन में कितना होता है? 66 फीट। आके सभी चेन और टेप का हम डिस्कशन करने वाले हैं। और एक गुणांत में होता है 33 फीट, एक गुणांत में क्या होता है? 33 फीट। तो मैं गंटर को क्या लिख सकता हूँ? 2 × गुणांत लिख सकता हूँ, वही 66 आने वाला है। तो मैंने इधर यही करा, 10 × 2 × गुणांत चेन का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करूँगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ जाके ये 40 हो जाएगा, तो 40 × चेन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना गेट या ईएस या शायद जेई में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, ये एक ईएस का क्वेश्चन है। सबसे पहले ईएस ने यही पूछा था इस चैप्टर से कि अगर मेरे को एक एक्यूरेसी फिक्स करनी है तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से किस तरह वेरी करेगी। तो देखो ये हमारे पास हो गए डिजायर्ड एक्यूरेसी, समीशन वो स्ट्रेन जैसा सिंबल है इसका, और ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में, तो रिलेशन कैसा हो गया? इन्वर्सली। और ये किस में? अंडर रूट में, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इन्वर्सली अंडर रूट में वेरी करती है क्या? अपनी डिजायर्ड एक्यूरेसी, ठीक है। अब देखो अगर मैं कोई
ट्रैफिक या हाईवे की डिजाइनिंग करने जाऊँ तो मेरे को सबसे पहले कौन कौन से सर्वे प्रेफर करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले मेरे को काम करना पड़ेगा ट्रैफिक वॉल्यूम मेरे को पता होना चाहिए। उसके बाद हम रेकोनाइज सर्वे करते हैं जिसमें हम थोड़ा एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ इतना इतना वेटेज होगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी करते हैं, हम सामान मतलब प्रोसीड करना चालू कर देते हैं और लास्ट में डिटेल कर देते हैं, उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और ये कुछ करेक्शन है जो अपने आगे पढ़ने थे, पर क्या है गेट ने पहले ही पूछ लिए तो मैंने इसलिए यहाँ लिखे हुए हैं कि मेन सी लेवल करेक्शन क्या होता है, माइनस के एल एच अपॉन आर, आपको आर की वैल्यू दे रखी है, एल एच की वैल्यू दे रखी है, यही करेक्शन पूछा है जो कि क्या होता है माइनस में, ठीक है। दूसरा है अपना स्लोप करेक्शन जो कि होता है माइनस के एल वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको स्लोप दे रखा है टेन थीटा से कॉस थीटा निकाल लेना, एल की वैल्यू दे रखी है तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। नाउ रेडी फॉर ई एस गेट जेई प्रीवियस ईयर, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ जिसमें थोड़ा सा नहीं लिखा है, वो कई बार इन्होंने पूछा है स्केल के रेस्पेक्ट में, जैसे कि जिनके पास बिल्कुल लेटेस्ट बुक होगी ईएस की, तो 2018 में क्वेश्चन आया था कि फॉरेस्ट के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं। तो देखिए फॉरेस्ट भी क्या है, काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, या इंडिया के रेस्पेक्ट में इंडिया भी देखें तो काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, जैसे ईएस में इंडिया के रेस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है। जब एरिया काफ़ी बड़ा है तो उसका स्केल क्या होगा, छोटा। तो जितने भी ऑप्शन में सबसे छोटा जो स्केल है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सारे ईएस गेट जेई के मेरे बन चुके हैं, तो उम्मीद है आपके 90% से वो तो बनने ही बनने हैं। थैंक यू।